तो हेलो भाई लोग, कैसे हो? मेरा नाम है अविनाश और मैं आप सबका वेलकम करता हूँ हमारे खुद के यूट्यूब चैनल पर धाकड़ रूपे। और आज मैं साउथ की धमाकेदार मूवी लेके आया हूँ जिस मूवी का नाम है मनाडू। और इस मूवी को हमें देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, और ये मूवी हमको सब क्या नया दिखाती है और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इस मूवी को देखते समय, इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए रिव्यू शुरू करते हैं। और ये मूवी रिलीज हुई थी 2021 में, और इस मूवी का जो है ड्रामा एक्शन क्राइम। और इस मूवी को IMDb पे 8.8 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10 की, और गूगल यूजर ने इसे 96% के स्कोर दिए है। भाई रेटिंग से समझ सकते हैं मूवी कितनी ऑसम होने वाली है। और इस मूवी का डायरेक्शन क्या है वेंकट प्रभु ने, और इस मूवी की कास्टिंग में आपको देखने को मिलेंगे सलीम बर्मन, कल्याणी प्रियदर्शन और RJ सूर्या। और ये मूवी ना भाई एक मास्टरपीस मूवी होने वाली है। और भाई इस मूवी की जितनी तारीफ की जाए ना भाई उतनी कम है। और इस मूवी का डायरेक्शन भाई एकदम बवाल, और इस मूवी के राइटर डायरेक्टर को भाई दिल से सलाम है, क्योंकि जिस तरीके से भाई इस मूवी को भाई लिखा है ना और भाई प्रेजेंट किया है भाई काबिले तारीफ है। और इस मूवी की स्टोरी ना भाई एकदम यूनिक है। और ये मूवी ना भाई आपको एक अलग ही सफर पे लेके जाती है। ये मूवी ना भाई आपको किसी भी एंगल पे ना बोर नहीं करती। और भाई इस मूवी में जितने भी एक्टर्स है ना भाई उनकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। और इस मूवी को देखते टाइम ना भाई इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन जिस तरीके से भाई इसकी परफॉर्मेंस रही है ना भाई, इस मूवी को देखने के बाद भाई मैं टोटली इम्प्रेस हो गया था। और ये मूवी ना भाई 2.5 घंटे के आसपास होने वाली है, और जब आप इस मूवी को देखोगे ना तो आप सोचोगे कि भाई ये मूवी खत्म ही ना हो और चलती जाओ। और ये मूवी भाई जैसे जैसे आगे बढ़ती है ना वैसे वैसे इंटरेस्टिंग होती जाती है। और अगर इस मूवी में प्लॉट के बारे में बात करें ना, तो इस मूवी में खाली का कैरेक्टर है जो दुबई से आया है ऊटी एक शादी अटेंड करने के लिए, लेकिन जब वो भाई एयरपोर्ट पर लैंड करता है ना तो उसके साथ ना कुछ अननेचुरल चीजें होने लगती है। और जैसे जैसे मूवी भाई आगे बढ़ती है ना, तो कैसे यह मूवी किस डायरेक्शन में जाती है, और खालिद के साथ ना एक कैरेक्टर होता है सीता नाम का, वो भी इस शादी को ना अटेंड करने वाली होती है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि ये लड़की को ना भगाने वाले है। और जब वो लड़की को भगा देते ना, तो कैसे आगे जाके ना इनकी टक्कर ना भाई रफीक के कैरेक्टर से होती है, और रफीक का जो कैरेक्टर ना वही आगे क्या करने वाला होता है, और वो एक ना टेररिज्म का हिस्सा बनने वाला होता है, लेकिन वो अपने आप को कैसे रोकता है इन सारी चीजों से, ये सारी चीजें आपको उस मूवी में देखने को मिलेगी। और ये मूवी भाई इंस्पायर है द हैप्पी डेथ डे और एज ऑफ टुमारो से, और इसकी जैसी ना और भी मूवियां हैं हॉलीवुड में। और अगर इस मूवी के फर्स्ट हाफ की बात करें ना, तो इस मूवी में जो खाली का कैरेक्टर ना कैसे अपने दोस्तों के साथ ना एक शादी में ऐसे ना एक दुल्हन को भगाते हैं, और आगे जाके उनकी टक्कर किससे होती है, और जो खालिद है ना उसका डे ना कैसे रिपीट हो रहा होता है। और अगर इस मूवी के इंटरवल की बात करें ना, तो भाई इस मूवी के इंटरवल से पहले आपको इस मूवी में एक सरप्राइज देखने को मिलेगा। और अगर इस मूवी के सेकंड हाफ की बात करें ना, तो इस मूवी में धनुष कोटी का कैरेक्टर है जो एक पुलिस वाले का कैरेक्टर निभा रहा है। जैसे खालिद का दिन रिपीट होता है ना, तो इसका भी दिन रिपीट होता है। और इस कैरेक्टर के फॉर्म में आने के बाद ना भाई इनकी परफॉर्मेंस भाई बहुत बढ़िया लगा, और सेकंड हाफ भाई बहुत बढ़िया, और इनकी परफॉर्मेंस, डायलॉग डिलीवरी, एक्टिंग भाई सब एकदम ऑसम है, और इनकी भाई तारीफ के पुल बांध दिन थकोगे। इस मूवी के मेन पॉइंट की बात करें ना, इस मूवी में जो खाली का कैरेक्टर ना जब वो प्लेन से उतरता है और अपने दोस्तों के साथ वो शादी तक पहुंचता है ना, उसके बीच में जितने भी इवेंट्स हुए होते ना, वो कैसे भाई स्टोरी से कनेक्ट है आपको उस मूवी में देखने को मिलेगा। और उनकी एक्टिंग एकदम लाजवाब, उनके भाई डायलॉग डिलीवरी, उनकी परफॉर्मेंस भाई एकदम बहुत बढ़िया है, और कैसे भाई वो खाली के कैरेक्टर को ना भाई टक्कर देते हैं और उससे हमेशा ना दो कदम आगे रखने की सोचते हैं, लेकिन भाई मूवी में क्या होता है उसके लिए आपको ये स्टोरी देखनी पड़ेगी। और ये मूवी ना भाई अपने प्लॉट को लेके ना एकदम सीरियस होती है। और इस मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करें ना, तो भाई इस मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही बढ़िया है। इस मूवी के डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले, क्लाइमैक्स की बात करें ना, तो सब एकदम बहुत बढ़िया है और एकदम लाजवाब है। और भाई इस मूवी को भाई बिल्कुल मिस मत करना, ये मूवी एक एंटरटेनमेंट से भरी होने वाली है और आपको कुछ नया प्रेजेंट करती है। मूवी में जो खाली का कैरेक्टर ना उसका दिन ना भाई बार बार रिपीट क्यों होता है, उसके पीछे क्या स्टोरी है, ये सारी चीजें भी आपको उस मूवी में देखने को मिलेगी। तो भाई इस वीडियो में इतना ही, आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा वरना इस मूवी को देखने का ना आपका मजा खराब हो जाएगा। और अगर ये मूवी आपने देखी है ना, तो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, और इस मूवी का लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा हिंदी में। तो भाई इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है ना, तो प्लीज भाई वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और मैं टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।